अस्सलाम वालेकुम। त्यौहार हमें क्या सिखाते हैं? त्यौहारों से हमें क्या खुशियाँ मिलती हैं? हम लोगों से क्यों जुड़ जाते हैं? एक दूसरे से मिलना जुलना करते हैं। त्यौहारों से हमें कितनी खुशियाँ मिलती हैं? हमारा दिल खुश रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, उसी से मिलते मिलाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हम यहाँ पे न्याज कैसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने दो कुंडे खरीद लिए हैं, ये मिट्टी के दो प्याले, क्योंकि कुंडे की न्याज है तो इसको मिट्टी के ही प्याले में हमें काम करना पड़ता है, यानी इसमें ही रखना पड़ता है खीर और पूरी को। तो इसको सबसे पहले हमने साफ धो के इसमें पानी भर दिया है, ताकि ये पानी इसके अंदर जो लाल रंग है वो ख़त्म हो जाए, इसलिए इसको भर के रख देते हैं। तो ये छोटा ग्लास है जिसका हमने ये बासमती टुकड़ा खुशबूदार चावल लिया हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पर इसको धो दिया है और एक पोर का यहाँ पे इतना पानी ले लिया है, थोड़ा पानी ज्यादा ही रखा है हमने, ताकि ये अच्छे से नरम पके। और इसको एक सीटी लगा देंगे, यहाँ पर हमने बादाम, पिस्ता, काजू और ये बड़े खजूर जो है छुआरे और ये लौंग और हरी इलायची ले ली है। तो पहले इन सबको काट लेते हैं। यहाँ पे हमने गेहूं के आटे में मैदे को छान के ले लिया है, मैदा आधा किलो है और उससे दुगना यानी एक किलो आटा है। इन दोनों को हमने एक टेबल स्पून नमक मिलाकर इसे छान के ले लिया है। गैस रिलीज हो जाएगी तभी हम ये कुकर को खोलेंगे। दोनों आटों को और नमक को अच्छे से हम नीचे ऊपर करके मिला लेंगे इस तरह से, और अब पानी डालते जाएंगे ज़रूरत के हिसाब से। कड़क आटा गूंदना है हमें। तो देखिए आटा रेडी हो गया, हमने ऊपर से खूब तेल लगा लगा के इसे खूब अच्छे से इसको गूंदा है और ये इस तरह से हार्ड आटा गूंद के रख लिया है जैसा कि हमें चाहिए था। हमने 1.5 लीटर दूध यूज किया यहाँ पर, अब इसको पकने देंगे। दूध को पकने के लिए हमने रखा हुआ है 1.5 लीटर दूध हमने यूज किया, जिसमें 250 ग्राम शक्कर डाल रहे हैं। शक्कर की मिठास आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम चाहिए तो कम भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर 1/4 किलो शक्कर का इस्तेमाल किया है 1.5 लीटर दूध में। इसे अच्छे से पकाते रहेंगे। दूध में हल्का सा बॉईल आ चुका है तो हमने यहाँ पर ये सभी पके हुए चावलों को इसमें डाल देना है, ताकि इसे अच्छे से दूध के साथ इतना पकाना है कि ये एकदम एक ऐसा जुड़ा जुड़ा सा यानी एकदम चिकना सा दोनों मिक्सअप हो जाए, तब जाकर ये तैयार होगी। तो अभी हमें इसे अच्छे से बॉईल होने के बाद भी धीमे धीमे पे बहुत देर तक पकाना है, तो इसी तरह से हम मिलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे चावल बैठ जाएगा। और चावल हमने अच्छे से गला लिया है ना कुकर में, इसी वजह से देखिए सभी चावल को हमने उठा के अब दूध में डाल दिया है और ये अब बहुत देर पकाना पड़ेगा हमें, ताकि ये दोनों एक जा हो जाए और एकदम खीर सॉफ्ट सॉफ्ट चिकनी सी तैयार हो जाए। 2 टेबल स्पून से ज़्यादा ही हमने घी यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा तड़का तैयार कर रहे हैं खीर के लिए, जिसमें सबसे पहले हम ये 3-4 लौंग डाल देंगे
उसके साथ ही इसमें हरी इलायची के दाने हमने छील के निकाल लिए हैं, यानी छिलके अलग और दाने अलग, वो भी इसी में डाल देंगे। थोड़ा सा ये लौंग बस तड़क जाए और इसकी खुशबू बाहर आ जाएगी ना, तो खीर में क्या वो स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी वजह से हमने इसको साथ में पहले ही डाल दिया है। अब देखिए तड़क गई है तो अब बादाम डाल देंगे, साथ में ये पिस्ता डाल देंगे जो हमने काट के ले लिया हुआ है, काजू भी डाल रहे हैं इसी में ताकि हल्का सा गुलाबीपन आ जाएगा ना, तो इसमें क्रंचीनेस आ जाता है, तो खीर में भी ये बहुत अच्छा लगता है चबाने पर। तो इसको अच्छे से नीचे ऊपर करके मिला लेंगे ताकि घी में ये अच्छे से भुन जाए। देखिए अब ये बॉईल आया है इस तरह से, कितना अच्छा मिक्स हो गया है ना चावल और दूध और शक्कर। और इसको हमने पहले ही खजूर जो थे वो कड़क होते हैं ना, तो हमने दूध में पहले से ही डाल दिया था चावल के साथ ही। और यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स देखिए हल्के पिंक हो गए हैं, तो अब इसी में हम थोड़ा ये 200 ग्राम मावा है इसी में डाल देंगे और इसे भी चलाते हुए नरम कर लेंगे। और ये दोनों मावे को भी ड्राई फ्रूट के साथ अच्छे से, इसमें घी छूट जाएगा तब तक के भून लेना है हमें, मावे में क्या खुद का घी होता है ना, तो इसे दबाते हुए इस तरह से इसकी गांठें तोड़ लेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा बन जाता है। हाँ, इस तरह से दबाते दबाते हमने इसको मिक्स कर लिया है, ये देखिए कितना अच्छा मिक्स हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये ड्राई फ्रूट का जो मिश्रण है ये रेडी हो गया है, तो खीर रेडी होगी तो हम इसे ऊपर से डेकोरेट के लिए डालेंगे। खीर को देखिए खोलते खोलते यहाँ पर इस तरह से ये हो गई है, इसमें हमने चावल के साथ खजूर भी डाल दिए थे और ये हमारी पूरियाँ बन के निकल गई हैं। और हमने इसे कुंडे में रखा है, यानी मिट्टी के वो बर्तन में जिसमें हमें गरम गरम पका के सर्व करना है और नियाज में रखना है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें पूरी और जो खीर होती है वो तो आम पकवान है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो ये त्यौहार के लिए ख़ास हम यही बनाते हैं। और यकीन जानिए कि ये इतना बेहतरीन टेस्ट होता है कि लोग मतलब मज़े लेके खाते हैं और सभी रिश्तेदार सभी अपने लोगों को हमें इसे खिलाना होता है। ये एक अच्छा त्यौहार है जिसमें आपस में लोग मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है पकाना खाना खिलाना। बहुत बहुत अच्छे सब त्यौहार हैं जो लोगों को आपस में जुड़ना सिखाते हैं, आपस की दुश्मनी हो या नाराज़गी हो इसमें मिलजुल कर रहने से क्या हो जाता है, वो दूरियां नज़दीकियों में बदल जाती हैं, लोगों के दिल साफ़ हो जाते हैं। अगर वो कोई तरह के नाराज़ हैं खफा हैं तो यही मौका होता है दोस्तों कि उनसे एकजुट हो जाया जाए और सभी को मिलजुल कर खाना और खिलाना और पकाना सब एक साथ करें, तो इसमें मज़ा भी आता है और जो त्यौहार होते हैं उसकी खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी सब पूरियाँ अब तैयार हो गई हैं और हमने इसे कुंडे में निकाल लिया है और साथ में हमारी खीर भी साइड में पकी रही है, आप देख रहे हैं यहीं से। ये देखिए अब हमने सब गरम गरम कुंडे में पूरियाँ रख दी हैं और चलिए खीर भी हमारी देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी हुई है, एकजुट हो गए हैं चावल दूध और शक्कर और सब ड्राई फ्रूट जो हमने खोआ या इसके अंदर जो खजूर डाला है छुआरे लौंग सबका बहुत ही अच्छा एक खुशबूदार ये खीर तैयार हो गई है। तो मैं इसे कुंडे में निकाल के सर्व कर रही हूँ और साथ ही में हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमने इसका मावे का मिश्रण को बनाया है उसको स्प्रेड करेंगे ऊपर से, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ये देखिए इस तरह से डालिए सब ऊपर, तो ये बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार और खोए की जो मिठास होती है वो खीर के साथ घुलने पर बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो यहाँ पर हमारी खीर और पूरियाँ रेडी हैं,
तो हम इसको अब क्या करेंगे, न्यास के लिए तैयारी करेंगे, कुछ हार फूल फूलों से इसे सजाएंगे। तो खीर और पूरी को हम न्यास में रखने से पहले हमने गुलाबों से फूलों से उसको बहुत खूबसूरती से सजा दिया है। ये बहुत ज़रूरी है, हम तो ऐसे ही हर साल करते हैं और ज़्यादातर जो ये त्यौहार है इसके लिए सभी मुसलमान जो हैं वो ऐसे ही सजाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा लगता है कि सुबह सुबह में हम ये मतलब सुबह सुबह ये न्यास बनती है और इसको नाश्ते में फिर परोसा जाता है और इतना खूबसूरती से इसे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, दस्तरखाने वर्सिया में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिदा वर्सिया। आज हमारे यहाँ रजब की खुशी में, रजब की जो एक खुशी होती है, जो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का जो न्याज बनाया जाता है, आज हमने उसी का प्रिपरेशन किया है। तो हमने ये बना के तैयार कर लिया है और सुबह में नाश्ता हम यही सबसे करेंगे। तो इस खुशी में बनाया जाता है खीर और पूरियाँ। पूरियों की कई वेराइटीज बनती हैं जिसमें ये गुजिया खाजा ये सब भी बन जाता है। कुछ वेराइटीज नमकीन की भी होती है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर पूरी और खीर का प्रिपरेशन किया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बनाने का पूरा तरीका भी बताना है, आप देखेंगे हमने किस तरह से तैयारी की, तो आप इसे ज़रूर देखें और आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सबको कुंडे की नियाज मुबारक।